जनक के कमरे में जबरदस्ती आएगा अनिरुद्ध, सुननी पड़ेगी खूब खरी खोटी। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, जनक सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जनक के कमरे में अनिरुद्ध आ जाता है। दरअसल जब स्टूडियो में आदित्य कपूर और जनक साथ में निकलते हैं तो उस समय अनिरुद्ध जनक को ऑफर देता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। इस पर जनक अनिरुद्ध को दो टुक जवाब देती है और कहती है कि आप अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ और अपनी सासू माँ के साथ जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ कैसे सकती हूँ, हमारा रिश्ता ही क्या है। और कहती है कि इस शहर में गाड़ियों की कमी नहीं है। उसके बाद वो आदित्य के साथ होटल रूम में पहुंच जाती है। जब जनक होटल के कमरे में आराम कर रही होती है तभी वहां पर अनिरुद्ध आ जाता है, जिसे देखकर जनक चौंक जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। इस पर अनिरुद्ध जनक से बात करना चाहता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। अनिरुद्ध से जनक को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कहती है कि मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है, कोई जवाब नहीं देना है और ना ही कुछ जानना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। इस पर अनिरुद्ध जनक से कहता है कि मैं अर्शी को बिना बताए हुए यहाँ पर आया हूँ। जनक कहती है कि अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपकी एक बहुत ही प्यार करने वाली वाइफ है, इसीलिए अब दो नावों पर सवार मत रहिए, क्योंकि अब आपके पास बस एक ही नाव है और उसी पर आप फोकस कीजिए। और रही बात बात करने की, तो मैं आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर अनिरुद्ध जनक से कहता है, तुम कोलकाता से मुझे बिना बताए हुए क्यों आ गए। इस पर जनक कहती है, क्योंकि मैंने आपको बताना सही नहीं समझा। जब इस तरीके से जनक अनिरुद्ध को जवाब देती है तो अनिरुद्ध जनक से कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। इस पर जनक कहती है कि अब मैं भी कोई बेइज्जती नहीं सह सकती हूँ। और रही बात एहसान उतारने की, तो मैंने आपके सारे एहसान उतार दिए हैं। अनिरुद्ध पूछता है, कौन सा एहसान। जनक कहती है कि आपने मेरी कई बार जान बचाई है और इसके लिए भले ही मैं कुछ भी करती आपके लिए तो वो एहसान नहीं उतरता, इसीलिए मैंने ये शो हार कर आपके किए हुए सारे एहसान का बदला उतार दिया है। इस पर अनिरुद्ध सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन जनक उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे पता है सर जी, अगर मैं ये शो जीत जाती तो आपकी वाइफ आपको जीने नहीं देती, वो आपको इतनी खरी खोटी सुनाती और तो और वो मुझे बेइज्जत भी करती है ना, और इसी सब बेइज्जती से बचाने के लिए आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं ये शो हार जाऊँ, है ना, आप यही कहना चाहते हैं ना। अनिरुद्ध कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, बस सर जी, कल प्रोडक्शन ने एक गेट टुगेदर रखा है जहाँ पर हम सभी लोग होंगे, वहाँ पर देखते हैं, बात करते हैं, आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए। अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुमसे इतने दिनों के बाद मिला हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। इस पर जनक कहती है कि सर जी, ये मेरा कमरा है, कोई धर्मशाला नहीं कि जब जिसका मन करेगा मुँह उठाकर आ जाएगा, मैं और मैं सबका वेलकम करती रहूँगी, इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। जब जनक इस तरीके से अनिरुद्ध को बेइज्जत कर देती है, फिर अनिरुद्ध चुपचाप वहां से चला आता है। तो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये अपडेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।